Hello students, I am UMS Vyas, UB, your bio teacher. Biology के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है. एक student का question है, What is the significance of ECG? ठीक, तो मैं कहता हूँ, आप ऐसा मत बोलें, आप ऐसा बोल दें, What are the significances of ECG? Because ECG के बहुत ज्यादा uses हैं, देखिएगा. Uses or significances of ECG. ECG helpful in diagnosing and determining heart rate, second, abnormalities in conducting pathway like arrhythmias. Arrhythmias में क्या क्या आते हैं? Tachycardia and bradycardia. Tachycardia and bradycardia. Tachycardia means increased HR and brady means decreased HR. Third, hormonal and electrolyte imbalance. Four, various heart disorder like CAD, coronary artery disease, or CHD, coronary heart disease, ischemic heart disease, जिसको आप generally ischemia बोलते हैं, MI, myocardial infarction, rheumatic heart diseases and enlargement in heart. चाहे वो enlargement एट्रिया में हो और वेंट्रिकल्स में हो और दोनों में हो, इसी भी में आप क्या काम कर सकते हैं, इनको डायग्नोज कर सकते हैं. अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप एक ईसीजी को देख करके कैसे हार्ट रेट कैलकुलेट करोगे, या टैकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया, या आप बोले हार्मोनल एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या आप बोले ये जो मैंने डिसऑर्डर आपको लिखे हुए हैं. तो देखते हैं, ईसीजी में जनरली आपने बोला हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. जब भी मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एंड सेकंड टर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ग्राफ इज एक्चुअली डिवाइस, ये डिवाइस है. एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? ऑब्टेन्ड ग्राफ. जो आपने ईसीजी किया है उसका एक ग्राफ मिलेगा, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक, देखते हैं ईसीजी. दिस वन इज द बेसलाइन. पहले मैं एक बेसलाइन बना देता हूं, देखिएगा. ईसीजी
ये एक बेसलाइन है। यहां से जब भी आप ईसीजी करेंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड आपके लेफ्ट एंकल में लगेगा, दोनों रिस्ट में लगेंगे और मेनी चेस्ट रीजन में। मेनी मैंने क्यों बोला है, क्योंकि जितना अच्छा आपको क्या चाहिए, ईसीजी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, चेस्ट रीजन में इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। ये बेसलाइन मैंने बनाई हुई है। दिस वन इज द पी वेव, क्यू आर एस एंड टी, अगेन रिपीटिंग पी क्यू आर एस एंड टी। ये जो मैंने बेस लाइन से डिफ्लेक्शंस बनाए हुए हैं, इनको मैं वेव्स बोलता हूं। दिस वन इज द बेस लाइन, इट इज द बेस लाइन, और इस बेस लाइन से जितने भी डिफ्लेक्शंस हैं, इनको मैं टर्म यूज करूंगा लाइक पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव, टी वेव। सेम P, Q, R, S, T। अब पहली चीज देखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेट ऑफ हार्ट बीट और एच आर बाय डायग्नोजिंग और एनालाइजिंग ईसीजी, तो कुछ नहीं, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप देख लीजिए। जब भी आपको एच आर देखना हो, हार्ट रेट इज इक्वल टू 1500 अपॉन एन। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू आर वे। ये लीजिए, ये जो दो आपको आर वेव दिख रही है, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, ठीक, उनको काउंट कर लो और फिर 1500 को उस नंबर से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, एच आर। अब अगर नंबर कैसे आते हैं, हार्ट रेट कैसे आती है, ज्यादा आती है कम आती है, तो एरिदमिया आपको देखने को मिल सकता है कि टैकीकार्डिया है और ब्रैकीकार्डिया है, तो दूसरा आंसर भी आपका हो गया कि इससे एरिदमिया का, टैकीकार्डिया का और ब्रैडीकार्डिया का पता कैसे लगाते हैं। अब अगर मैं पर्टिकुलर किसकी बात करूं, दिस वन इज द पी वेव, इतना ये सेगमेंट एक्सप्लेन करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस, इतना पोर्शन एक्सप्लेन करता है या बताता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और अगर इस सेगमेंट की बात करेंगे, दिस वन सेगमेंट, ये बताता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। अब अगर आप मेरे से क्वेरी करना चाहेंगे तो एक क्वेरी कर सकते हैं कि सर आपने यहां पे एट्रियल रिपोलराइजेशन नहीं बताया, तो देखिए ईसीजी में उसको नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि वो यहां इस ड्यूरेशन में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, तो उसको इसमें नहीं दिखाया जा सकता। तो देखिएगा पी वेव को मैंने क्या बोला है, डी पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, क्यू आर एस इस सेगमेंट को क्या बोला है, डी पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड इस वन सेगमेंट को क्या बोला है, री पोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके फाइन। अब अगर ये जो मैंने वेव्स बनाई हैं,
इनमें ये तो नॉर्मल मैंने बना दिया, अगर इनमें कोई भी डिफ्लेक्शन वगैरह एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन होता है, सपोज करो मैं तो कहता हूं ये पी वेव इनलार्ज हो जाए, ये क्यू वेव ज्यादा डिप्रेस हो जाए, ये जो टीपी सेगमेंट है ये इनलार्ज हो जाए, एसटी सेगमेंट ये इसका डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, ये गैप ज्यादा हो जाए, आर ज्यादा इनलार्ज हो जाए, तो ये बताते हैं एबनॉर्मलिटीज इन योर हार्ट और कंडक्टिंग पाथवे। तो देखते हैं, दिस वन इज द नॉर्मल पी वेव, ये पी वेव है, और सपोज करो यही क्या हो जाए इनलार्ज, ये लीजिए नॉर्मल से ये थोड़ी सी क्या हो गई है इनलार्ज हो गई है पी वेव, ये किसका इंडिकेशन है इनलार्ज पी वेव क्या एग्जिबिट करती है, तो आप कहेंगे इनलार्जमेंट इन एट्रिया, इनलार्जमेंट इन एट्रिया। सपोज करो ये जो आर वेव है ये कैसी हो जाए इनलार्ज हो जाए, वो भी बिल्कुल देख लीजिए, ये पी क्यू आर एस एंड टी, अब मैं क्या काम कर रहा हूं आर वेव को इनलार्ज कर रहा हूं, यहीं से मैं थोड़ा सा क्यू वेव को भी ज्यादा डिप्रेस्ड कर देता हूं, ठीक। तो पहला मैं बोलता हूं आपको ये जो आर वेव है ये इनलार्ज हो गई है, इनलार्ज मेंट इन आर वेव इंडिकेट करता है इनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, इनलार्ज मेंट इन वेंट्रिकल्स। अगर ये क्यू वेव है, ये क्यू वेव जो बेस लाइन थी उस बेस लाइन से ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई है, क्यू वेव इट इज द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एम आई, एम आई मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एम आई, फाइन। अब देखते हैं अगला, सपोज करो टी वेव ज्यादा एलिवेट हो जाए, दिस वन इज द नॉर्मल टी वेव पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस एंड दिस वन इज द टी, अगर टी वेव ज्यादा ही लार्ज हो जाती है, ये लीजिए इट इज द इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, किसको इंडिकेट करती है एलिवेटेड टी वेव, इंडिकेट्स हाइपर कैलेमिया यानी इंक्रीज्ड कैन कंसंट्रेशन, फाइन। सपोज ये जो एसटी सेगमेंट है थोड़ा सा एलिवेटेड फ्रॉम द बेस लाइन, ये देखिएगा पी क्यू आर एस टी,
This one is the P, Q, R, S, T. अब मैं इस सेगमेंट को थोड़ा सा एलिवेट कर देता हूं, पूरा सेगमेंट ही एलिवेट करूंगा। ये लीजिए, अगर ये एलिवेशन आपको दिखता है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ एक्यूट MI। ये लीजिए, इसको मैं बोलता हूं STEMI। ST सेगमेंट इलिवेटेड और इंडिकेशन है MI। MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसको आप बोल सकते हैं MI की जगह आप ऐसा भी बोल सकते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर ऐसा हो जाए कि ये जो ST सेगमेंट है डिप्रेस्ड बिलो द वेस्ट लाइन, ये देखिए, क्योंकि बेस लाइन ये थी जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, दिस वन इज द, ये है बेस लाइन, बेस लाइन कहां से चल रही है, ये पूरी बेस लाइन। अब उससे क्या हो गई, ये डिप्रेस्ड ST सेगमेंट डिप्रेस्ड बिलो द बेस लाइन, इट इज द इंडिकेशन ऑफ इस्कीमिया या इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिक हार्ट डिजीज मीन्स हार्ट रिसीविंग इनसफिशियंट ऑक्सीजन। ओके, तो दीज आर सम यूजेस ऑफ ECG। मैं एक बार थोड़ा सा फटाफट रिकैप करवा देता हूं। फर्स्ट तो आपको HR हार्ट रेट डिटरमाइन करने में, जैसे वो मैंने बोला हुआ है, हार्ट रेट अगर आपको डिटरमाइन करना है तो 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस बिटवीन टू आर वेव्स लिखा हुआ है, ठीक। सेकंड, एबनॉर्मलिटीज इन कंडक्टिंग पाथवे, एरिदमिया मींस टैकीकार्डिया इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया डिक्रीज्ड हार्ट रेट, फाइन। नेक्स्ट वन, हार्मोनल एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। ये देखिए, यहां से मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये इधर गया, वो स्वीप कर दिया लग रहा है, कोई बात नहीं, वो मैंने वाइप आउट कर दिया, ये सॉरी मैं देख नहीं पाया इतनी देर से। इलिवेटेड टी वेव, हाइपरकैलीमिया यानी इंक्रीज्ड पोटेशियम आयन। अब हार्मोनल अगर इंबैलेंस की बात करोगी कि सर आपने हार्मोनल इंबैलेंस का नाम नहीं लिया, तो मैं कहता हूं कि मान लिया जो दो ये ST सेगमेंट है, इसका मान लिया डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है कि थायरोक्सिन का लेवल आपके बॉडी में कैसा हो रहा है, थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए हार्मोनल भी हो गया। दूसरा आपने कहा है इनलार्जमेंट इन एट्रिया, इनलार्जमेंट इन वेंट्रिकल, MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन, CAD एंड CHD। शायद मैंने वो आपको नहीं बता पाया, तो मैं इसमें फिर आपको बोल देता हूं। ये पी वेव है, सपोज करो ये पी वेव थोड़ा सा कैसे हो जाए, ये देखिए डिप्रेस्ड, हल्की सी डिप्रेस हुई है, तो यहां हो जाएगा डिप्रेस्ड पी वेव इंडिकेट्स
CAD, coronary artery disease, or CHD, coronary heart disease. Okay? समझ गए आप? राहुल, आपकी बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है, आप इसको ढंग से आप देख लें, और अगर दोबारा भी कोई डाउट होते हैं तो फिर अपन लाइव बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अगर क्वेश्चन किसमें से आएगा, नीट में आएगा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहीं से आएगा. अभी तक उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है कि आप ईसीजी के थ्रू हार्ट रेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं. तो ये देखो, ये फॉर्मूला है, और ये वाला क्वेश्चन आने की संभावना या पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है. ओके, फाइन, थैंक यू ऑल.